बिहार का शिक्षा विभाग एक बार फिर चर्चा में है और इसकी वजह है हाल ही में जारी हुई शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नियमावली। लंबे समय से शिक्षकों को इसका इंतजार था। सरकार का कहना है कि अब बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक, पुराने शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षकों को अपने जिले में रहने का मौका मिलेगा। पर अगर आपको इस नियमावली में कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर हम विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से नए प्रावधान जोड़े गए हैं और इससे शिक्षकों को क्या फायदा मिलेगा। दरअसल लोकल 18 ने बिहार स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम से बात की। उन्होंने 9 पॉइंट्स में समझाया कि ये नई नियमावली में क्या क्या कहा गया है। इस नियमावली में शिक्षकों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि असाध्य रोग से ग्रसित, गंभीर रोग से ग्रसित, दिव्यांग या सेवा काल के दौरान जिनकी दिव्यांगता हुई हो, फिर उसके बाद विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं हैं, ऐसी शिक्षिकाएं जिनके पति भी सेवा में हैं, और फिर पुरुष शिक्षक, सबके लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। जो दिव्यांग, असाध्य रोग, गंभीर रोग, परित्यक्त और महिलाएं जिनके पति भी सेवा में हैं, उन सब के लिए ये बनाया गया है कि उनकी पोस्टिंग अपने गृह पंचायत या नगर निकाय में नहीं हो सकती, लेकिन गृह प्रखंड या गृह अनुमंडल में हो सकती है। महिलाओं के साथ ये भी बाध्यता लगाई गई है कि उनके पति के गृह पंचायत या नगर निकाय में भी नहीं हो सकती। पुरुषों पर बाध्यता लगा दी गई है कि उनका गृह अनुमंडल में ही पोस्टिंग नहीं होगा। महिलाओं के लिए केवल पंचायत और नगर निकाय की बाध्यता थी और पुरुषों के लिए पूरे अनुमंडल में, अगर उनके अनुमंडल में 4-5 प्रखंड हैं तो उनमें से किसी प्रखंड में उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। और ये गृह प्रखंड है, उनके वर्तमान पदस्थापन का प्रखंड भी हो सकता है या उससे अलग भी हो सकता है, तो गृह प्रखंड में उनका पदस्थापन नहीं होगा। सीटों की रिक्तियां हैं उसके बारे में क्या बताया गया, तो सीटों की रिक्तियां हैं उसको ऐसे उदाहरण समझिए कि अगर किसी विद्यालय में 10 रिक्तियां हैं, 10 सीट हैं, तो उसमें कहा गया है 10:30:30:30 का रेशो बनाने के लिए, यानी कि अगर 10 रिक्तियां हैं तो उसमें से एक सीट होगी नियमित, यानी जो पुराने नियमित शिक्षक हैं उनके लिए, 3 सीट होगा विशिष्ट शिक्षकों के लिए, 3 सीट होगा बीपीएससी TRE-1 और TRE-2 के शिक्षकों के लिए, और 3 सीट होगा नियोजित शिक्षकों के लिए। इस आधार पर रिक्तियों को तैयार करने कहा गया। अगले ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होगा, वरीयता और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी क्लियर किया हुआ है कि अभी जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर नहीं होना है, तो बचे 3 कैटेगरी के शिक्षक, नियमित, विशिष्ट और बीपीएससी TRE-1 TRE-2 यानी कि विद्यालय अध्यापक, इसमें वरीयता और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दोनों निर्धारित कर दिया गया है। कहा गया है कि सबसे वरीय माने जाएंगे नियमित शिक्षक, यानी जो पुराने नियमित शिक्षक हैं वो, उसके बाद वरीयता क्रम होगा विशिष्ट शिक्षकों का, उसके बाद वरीयता क्रम होगा बीपीएससी TRE-1 और TRE-2 का। ये वरीयता क्रम और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, पोस्टिंग में भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यही होगा, अगर मान लीजिए किसी विद्यालय में एक ही सीट है तो वहाँ पे सबसे पहला अधिकार होगा नियमित शिक्षकों का, नियमित शिक्षक नहीं रहने के बाद विशिष्ट शिक्षकों का, और विशिष्ट शिक्षक भी नहीं रहेंगे तब बीपीएससी TRE-1 और TRE-2 शिक्षकों, ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। विकल्प के बारे में कहा गया है कि 10 विकल्प आपको मिलेंगे, यानी कि 10 विद्यालय आपको मिलेंगे जो चुनना होगा, आपका जो इच्छित जिला है जहां आप जाना चाहते हैं या सक्षमता में जो आपको जिला मिला हुआ है उस जिले में आप 10 विद्यालयों का ऑप्शन देंगे, विकल्प भरेंगे, और कोशिश होगी कि उन्हीं 10 में से किसी विद्यालय में आपकी पोस्टिंग हो जाए। अब आते हैं बात की अगर उन 10 विकल्पों में नहीं हुआ तब क्या होगा। उन 10 विकल्पों में से यदि कोई विद्यालय नहीं मिला तो फिर सरकार का यह कहना है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का यह कहना है कि प्रयास होगा कि निकटतम अनुमंडल या जिले में उनको कोई स्कूल मिल जाए। अगला पॉइंट आते हैं कि जो बाहरी, बिहार से बाहर के शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं, उनके लिए क्या नियम होगा। तो उन पर चूंकि उनका गृह प्रखंड या अनुमंडल यहां है नहीं, इसलिए यह अनुमंडल की बाध्यता उन पर लागू नहीं होती है।
वो किसी भी प्रखंड अनुमंडल में अपनी पोस्टिंग ऐच्छिक पोस्टिंग हिसाब से च्वाइस फिलअप कर सकते हैं, उन पर कोई बाध्यता नहीं लगेगी। कितने सालों तक यह पोस्टिंग रहेगी? कहा गया है कि 5 वर्षों तक के लिए केवल पोस्टिंग रहेगी, हर 5 वर्ष के बाद एक कंपलसरी ट्रांसफर सभी का होगा। यानी कि जो अभी आपकी पोस्टिंग हो रही है वो केवल 5 साल के लिए, 5 साल के बाद फिर से आपके साथ ये प्रक्रिया की जाएगी, 5 साल बाद फिर पोस्टिंग होगी। अभी जो पोस्टिंग होगी सक्षमता पास वालों की भी और बीपीएससी वालों की, वो दोनों पोस्टिंग अभी पटना से होगी यानी केंद्रीकृत प्रणाली से होगी। लेकिन इसके बाद जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कमिटी का गठन किया गया है। 3 तरह की कमिटियां हैं, जिनको जिला के अंदर ट्रांसफर चाहिए उसके अध्यक्ष डीएम रहेंगे, उनके नेतृत्व में कमिटी बनी है, जिला के अंदर ट्रांसफर के लिए वो अधिकृत होंगे। जो प्रमंडल के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाना चाहेंगे वो प्रमंडलीय आयुक्त और जो शिक्षा विभाग के RDD होंगे उनके निगरानी में कमिटी बनी है, वो निर्णय लेगी। और तीसरा है कि जो एक प्रमंडल से भी दूसरे प्रमंडल में जाना चाहेंगे, मान ली मुंगेर प्रमंडल के किसी जिले से भागलपुर प्रमंडल के किसी जिले जाना चाहेंगे, तो उनको शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी से अनुमति लेनी होगी, यानी कि वो कमेटी उनका ट्रांसफर करेगी। जाते जाते ये भी बता देते हैं कि ये फैसला लगभग 5 से 6 लाख शिक्षकों को ध्यान में रखकर लिया गया है और जल्द ही ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, साथ ही दिसंबर में ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहे लोकल 18।